हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मोहन शास्त्री आपके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग दो के गदखंड के सेकंड चैप्टर बाल गोविंदक का। अब तक हमने जाना कि किस प्रकार बाल गोविंदक एक मधुर गायन से सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेखक ने उसके संगीत को जादू कहा है। आज उसे आगे अध्ययन करते हैं। भादों की वे अंधेरी अदृतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गर्ज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादरों की ट्रटर में दादरों मेंढो को ट्रटर बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। कोलाहल होता है शोर। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पिया वा चमक उठे सखिया चूंक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि मैं अकेली है। चमक उठती है, चीख उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कोंद उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निशब्दता में बिल्कुल शांत मौन है। बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठड़ी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा। इसमें भी बाल गोविंद भक्त के संगीत के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार भादो की अंधेरी रात में उसका संगीत सबको अचंभित कर देता था। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वे बहुत सवेरे उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते गांव में 2 मील दूर। कार्तिक मास से बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ फागुन मास तक चलती थी और वह सुबह उठते थे और 2 मील दूर नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। वहाँ से नहा धोकर लौटते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला, किंतु कुछ दिन माँ को उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। लेखक अपने विषय में बताता है कि लेखक हमेशा ही लेट से उठने वाला था। खेत बगीचा घर सब कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य में आवर्त मालूम पड़ता था। उस समय रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूर्व मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खंजड़ी लिए बैठे हैं। उनके मुँह के शब्दों का तांता लगा है। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही है। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक पर श्रम बिंदु पसीने जब तब चमक हो पड़ते। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को भी इन्हें शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भक्त कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दुहरातीत रहती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भक्त नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। इसमें बाल गोविंद भक्त के संगीत के विषय में बताया है कि बाल गोविंद भक्त जब बाल गोविंद भक्त जब खंजड़ी बजाते थे तो इतने मस्त हो जाते थे कि वो सब कुछ भूलकर उस परम सत्ता में अपना मन लगा लेते थे। बाल गोविंद भक्त को संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोधा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। क्यों ये निगरानी और मोहब्बत से ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील थी। पतोहू पुत्र की बहू, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ जिम्मेदारियों से निवृत्त कर दिया था। ये प्रश्न आता है कि भाई
बालगुण भक्त के अनुसार किनको प्रेम करना चाहिए? जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, बीमार व्यक्ति होते हैं, उनसे अधिक प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वे प्रेम के अधिक हकदार होते हैं। बेटा बीमार था इसलिए खबर रखनी। हाँ, ये आगे हैं बेटे कि घर की पूरी प्रबंधिका बनकर दुनियादार से नियुक्त कर दिया था, उनका बेटा बीमार है इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बालगुण भक्त का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े में ढांक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते थे, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उन पर बिखरा दिए, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला दिया और उनके सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाते चले गए। वही पुराना गीत है किंतु बालगुण भक्त गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद कौन सी बात है? मैं कभी कभी सोचता हूँ यह पागल हो गए हैं, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उनमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो मृत्यु पर विजयी होता है। इसमें बाल गोविंद भक्त के बारे में बताया है कि बाल गोविंद भक्त के जब पुत्र की मृत्यु हो जाती है, बाल गोविंद भक्त का इकलौता पुत्र था, वह अक्सर बीमार रहता था, और बाल गोविंद भक्त के अनुसार ऐसे व्यक्ति से ज़्यादा प्रेम करना चाहिए जो बीमार है या कमज़ोर है, क्योंकि वो प्रेम के अधिक हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति का पता नहीं कि वो कब कब ईश्वर के या उनकी उनका निधन हो जाए, इसलिए ऐसे व्यक्तियों से अधिक प्रेम करना चाहिए। जब बाल गोविंद भक्त के बेटे की मृत्यु हुई और उसकी पुत्रवधू विलाप करने लगी, रोने लगी, तो उसने अपनी पुत्रवधू से कहा कि यह रोने का समय नहीं, यह उत्सव मनाने का समय है कि विरहणी आत्मा अपने परमपिता परमात्मा से जाकर मिल गई, अपने प्रेमी से मिल गई है, इसलिए यह उत्सव मनाने का समय है, रोने का समय नहीं है। इसमें लेखक कहता है कि मैं सोचता था कि वह पागल हो गए हैं, लेकिन वह पागल नहीं अपितु उसमें उसका विश्वास बोल रहा था। इस चैप्टर को आज हम यहीं तक अध्ययन करते हैं और कल इसे आगे इनके प्रश्न उत्तरों को जानेंगे। आपने ध्यान से इस चैप्टर को सुनना है और इसके छोटे क्वेश्चनों को अपनी फिर नोटबुक में करना है। जैसे बाल गोविंद भक्त की प्रभातिया कब से कब तक चलती थी? फागुन, कार्तिक से फागुन मास तक। नदी कितनी दूर थी? 2 मील दूर थी। और बाल गोविंद भक्त के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? जादू कहा है। इन प्रश्नों को, छोटे प्रश्नों को आपने अपनी फिर नोटबुक में करना है। आगे अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।